और उससे आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी जो लिपि है या इसके जो लिपि है वो पिक्टोग्राफ में है, जिसे लिखा जाता था पहले राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट तक। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन सीधा आता है कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी आप लोगों की, या हड़प्पा संस्कृति थी, यहाँ के लोग जो अपना व्यापार था या कुछ भी वो एक्सपोर्ट किस तरह से करते थे, और कौन कौन सी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी और इम्पोर्ट होती थी। इम्पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है आप लोगों का, तो आप लोग एक्सपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आता है, इम्पोर्ट के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है कि आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी आप लोगों की। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए सारी चीजें। इम्पोर्ट गुड कौन कौन सी थी आप लोगों की और इनका एरिया क्या रहता था, कहाँ से ये आती थी, एक क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो टिन था आप लोगों का, जो आप लोगों का टिन आएगा वो आप लोगों का प्रशिया और आप लोगों का अफगानिस्तान से आएगा, तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की आएगी कॉपर, और कॉपर है आप लोगों का वो खेतरी राजस्थान से आता है, सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। खेतरी राजस्थान से कौन सी गुड्स का इम्पोर्ट किया जाता था। ओके, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि बलूचिस्तान या जो आप लोगों का पाकिस्तान था वहां से क्या क्या चीजें आती थी, तो ये आप लोगों का कॉपर जो भी था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का रहेगा सिल्वर, जिसे आप लोग जानते हैं चांदी के नाम से, ये आप लोगों की आती थी ईरान और अफगानिस्तान से। देन आप लोगों का गोल्ड, जिसे आप लोग स्वर्ण या सोने के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों का आता था ईरान अफगानिस्तान। ठीक है, ईरान अफगानिस्तान और आप लोगों का भारत से भी इसकी सप्लाई होती थी, जो कि आप लोगों का साउथ इंडिया रहेगा, साउथ इंडिया में कर्नाटका, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से भी कुछ आ जाते थे क्वेश्चन आप लोगों के। फिर शिलाजीत का भी वर्णन मिला है वहां पे, जो शिलाजीत था आप लोगों का हिमालय से आता था। ओके, और लास्ट आप लोगों का रहेगा नीला पत्थर, या जिसे कहते हैं आप लोग ब्लू स्टोन, नीला रत्न भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों का आता था अफगानिस्तान और बदख शाह, एक जगह का नाम होगा बदख शाह और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा चीजें आप लोगों के अफगानिस्तान से ज्यादा सप्लाई इनके पास होती थी। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ये तब तक ये चीजें आप लोग लिख लीजिए। लोथल के बारे में आप लोगों को कल एक चीज बताना भूल गया था कि लोथल एक ऐसा प्लेस था आप लोगों का, जहां पे एक ऐसा मकान पाया गया था जहां पे जो उसका मेन डोर होता था, हड़प्पा संस्कृति या इंडस सिविलाइजेशन में जितने भी आप लोगों के घर पाए गए थे उनके जो मेन गेट होते थे वो हमेशा होते थे अपोजिट साइड में, यानी कि मेन सड़क से अपोजिट साइड में, जहां पे मेन सड़क होगी उस तरफ नहीं होते थे और उसके अपोजिट साइड में हुआ करते थे। ओके, जैसे यहाँ पे होते हैं सड़क की तरफ आप लोगों का घर होगा और अपोजिट साइड में खिड़की होगी, बट वहां पे उल्टा होता था ताकि शोर शराबे से बचा जाए, कुछ इस तरह का होगा रीजन उनका, बट इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। बट लोथल एक ऐसा प्लेस माना गया है जहां पे उनको एक ऐसा घर मिला है जिसकी जो मेन डोर था, जिसका मुख्य दरवाजा था, वो सड़क की तरफ खुलता था। ओके, और इसी से माना गया है कि हो सकता है कि ये लोथल के प्रधान का घर हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है लोथल के प्रधान के घर की विशेषताएं क्या थी, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, उसका जो मेन गेट होता था वो खुलता था किस तरफ, या मेन दरवाजा मुख्य दरवाजा आप लोगों का सड़क की तरफ खुलता था इसीलिए। और इंडस सिविलाइजेशन में सिर्फ इसी जगह का वर्णन हुआ है लोथल का, जहाँ पे जो इनके दरवाजे हुआ करते थे आप लोगों के इस तरफ खुला करते थे। ओके,
तो ये ध्यान रखिए आप लोग इस चीज का। इसके बाद इंडस सिविलाइजेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बट इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका अंत कैसे होता था। और एक और चीज ध्यान रखना, इंडस सिविलाइजेशन में जो आप लोगों के मकान होते थे, जो इनके कॉर्नर हुआ करते थे, और मैंने आप लोग को बताया था कि इनकी जो ईंटें होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी, ठीक है। इनके जो रेशियो हुआ करती थी 4:3:1 में हुआ करती थी। और इसके साथ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो मकान के कॉर्नर हुआ करते थे उसमें जो ईंट का प्रयोग किया जाता था वो एल शेप में होता था, ठीक है। एल शेप जो कॉर्नर में यूज की जाती थी ईंट, वो कॉर्नर में एल शेप, जो कि आज के टाइम में हमारे टाइम में यूज नहीं हुई, बट इंडस सिविलाइजेशन में ये यूज हुई थी। अब इनका अंत किस तरह हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का सीधा पूछा जा सकता है। तो कुछ एक जो आप लोगों के आर्कोलॉजिकल थे उनके द्वारा कहा गया कि हो सकता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस हो आप लोगों के, हो सकता है इनका जो इम्पोर्ट था वो खत्म हो चुका हो जिस कारण इनका हुआ हो। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि सेंट्रल एशिया से आप लोगों के आर्य आए थे, इन्होंने इसको खत्म किया हो। और एक और रीजन माना गया है, मलेरिया का रीजन भी इसमें माना गया है। और एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है जो कि ऑफिशियली आप लोगों को बताई जाती है, वो है आप लोगों की 1750 BC में। कि यहां पे बाढ़ आने के कारण, ठीक है, बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता जो आप लोगों की थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। बस यही इसका मेन रीजन माना गया है। यहां से आप लोगों की खत्म होगी वैदिक, सॉरी ये वाली इंडस सिविलाइजेशन, और स्टार्ट होगी आप लोगों की वैदिक सभ्यता। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी पढ़ा था। वैदिक पीरियड में आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा पीरियड था जिसमें किसी भी लिपि का प्रयोग नहीं किया है, तो आप लोगों की वो रहेगी वैदिक सभ्यता, या जिसे आप लोग कहते हैं वैदिक पीरियड। इनके नोट्स बना लिया करिए आप लोग जितने भी हैं, फायदा रहेगा आप लोगों को इन फ्यूचर HS वगैरह में जाओगे तो वहां पे ये सब कुछ मिल जाएगा देखने को। इवन इन क्वेश्चंस में आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था UPSC के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उनमें भी यही चीजें पूछी गई है। तो जितना भी आप लोगों को टॉपिक करवा रहा हूँ सिर्फ एक हिस्ट्री ऐसा टॉपिक होगा जिसको मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जितने भी टॉपिक होंगे मैं डायरेक्ट आप लोगों को नोट्स के ऊपर पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि आप लोगों के हिस्ट्री के ऊपर ही एटलीस्ट 40-50 क्लासेस हो गई है, तो बाकियों को करवाऊंगा तो 40-50 उनके ऊपर होगी, तो बाकी सारे समझाऊंगा प्रॉपर आप लोगों को, बट नोट्स के रिगार्डिंग ही पढ़ाऊंगा उनको, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक बन जाते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डीप में थोड़ा करवा दिया, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो वैदिक पीरियड जो आप लोगों की वैदिक सभ्यता मानी जाती है वो आर्यों का आगमन ही माना जाता है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो आप लोग की है ऋग्वैदिक पीरियड, टाइम पीरियड पता है किसी को इसका क्या है? क्वेश्चन सीधे आते हैं इससे, वैसे क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका टाइम पीरियड बताओ, बट हिमाचल वाले डाल देते हैं कभी कभार, बाकी तो डालते नहीं है कोई भी। एक होता है आप लोगों का पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये बताइए कि ऋग्वैदिक पीरियड जो आप लोगों का है वो क्यों फेमस है, और इसका टाइम पीरियड देख लो। चलो पहले 1500 BC से लेके आप लोगों का 1000 का रहेगा, और इसका जो रहेगा वो 1000 से लेके 600 BC का रहेगा। ऋग वैदिक पीरियड आप लोगों का क्यों फेमस है और पोस्ट वैदिक पीरियड आप लोगों का क्यों फेमस है, यहाँ से सीधे आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऋग वैदिक काल किस लिए कहा गया है? तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का ऋग वैदिक पीरियड है उस पीरियड में आप लोगों के जो ऋग वैदिक पीरियड है आप लोगों का, इसमें एक वेद की रचना की गई थी, जो आप लोगों का कौन सा वेद था? ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही रचना करने में एटलीस्ट आप लोगों को कितने टाइम लगेगा? 500 साल। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऋग्वेद की रचना में कितने समय लगा था आप लोगों का, तो 500 ईयर आप लोगों के लग गए थे ऋग्वेदा के, ठीक है। उससे पहले आप लोग ऋग्वेदा बाद में पढ़िए, पहले वेद के बारे में जानिए कि वेद आप लोगों के क्या होते हैं। वेद का मतलब होता है आप लोगों का ज्ञान, नॉलेज, और जो आप लोगों का नॉलेज है, और वेदों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किससे माना गया है? क्योंकि आर्य आए थे तो आर्यों ने ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ माना था, और आर्य को क्या कहा जाता है?
श्रेष्ठ कहा जाता है या तो इनको कहा जाता है सुपीरियर, ठीक है। श्रेष्ठ और सुपीरियर एक ही चीज है आप लोगों की, तो इतनी सी बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और वैदिक पीरियड में आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे, ऑल ओवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें जो आप लोगों के होंगे आर्य। ओके, ऋग्वेदा में आप लोगों का एटलीस्ट 500 साल लग गए थे ऋग्वेदा को लिखने में, और इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो आप लोगों का वैदिक पीरियड होता है, इसमें किसी भी तरह की लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। स्क्रिप्ट इसमें किसी भी तरह की यूज नहीं की गई है। सारे जितने भी प्रूफ हैं, सारे रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए आप लोगों का रहेगा पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसे आप लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए होंगे बताना जरा, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए प्लीज। चलो ये बता दो कितने लिखे गए होंगे आप लोगों के ग्रंथ इसमें। सामवेद आपका ग्रंथ है, ओके। बाकी ठीक है, तो समझिए इसमें आप लोगों के जो वेद लिखे गए थे, उसमें एक आप लोगों का आता है सामवेद, सेकंड आप लोगों का आता है यजुर्वेद, एंड थर्ड आप लोगों का आता है अथर्ववेद। और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि महाभारत और रामायण जो आप लोगों की लिखी गई थी, वो इसी काल में लिखी गई थी। तो लिख लेना यहाँ पे सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद और अथर्ववेद, और आप लोगों का जो नेक्स्ट रहेंगे ग्रंथों में, वो आप लोगों के रामायण और महाभारत। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो याद रखना आप लोगों ने 1500 BC में आए थे ये आप लोगों के। और इसके बाद आप लोगों से सीधा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से इन्होंने एंट्री की थी यहाँ में आने के लिए, तो सेंट्रल एशिया से आप लोगों के आए थे ये, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आप लोगों के आए थे। और मध्य एशिया कौन सी जगह है आप लोगों के, जिसमें आप लोगों के आते हैं आज के समय में, वैसे पूछे नहीं जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान आप लोगों का आता है, कजाकिस्तान आता है, उज़्बेकिस्तान आता है, और किर्गिस्तान आप लोगों का आता है। ये सारे सेंट्रल एशिया के थे आप लोगों के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों के। बट ये जो आप लोगों का कहा गया है, माना क्यों गया है इसको सही, बिकॉज आप लोगों के एक मैक्स मूलर जानते होंगे, इनके अनुसार कहा गया है कि जो आप लोगों के आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आएंगे, और इनका जो प्रूफ है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, मैक्स मूलर को ज्यादा ही माना जाता है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने भी अपने विचार रखे थे इसके ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि जो आप लोगों के भारत में आर्यन आए थे, ये आर्कटिक पोल से आए थे, उत्तरी ध्रुव, इन्होंने कहा था कि ये आए थे आप लोगों के उत्तरी ध्रुव से। इसके बाद आप लोगों के जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा कहा गया था कि जो आप लोगों के आर्यन आए थे वो आप लोगों के तिब्बत से आए थे, ओके। इन्होंने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं, तो इसमें मतभेद है आप लोगों का, बट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया, अदरवाइज इन दोनों का नाम पूछा जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक और आप लोगों का दयानंद सरस्वती ही कहा जाएगा। हिस्टोरियन आप लोगों के मैक्स मूलर हैं, इनके अनुसार सेंट्रल एशिया में से ये आप लोगों के आए थे, ओके। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है नॉर्थ आप लोगों की लोकेशन रहेगी इसमें, साउथ रहेगी, और आप लोगों का ईस्ट और आप लोगों का वेस्ट, कि जो आप लोगों की वैदिक पीरियड था ये कहाँ से लेके कहाँ तक फैला था, और आप लोगों के जो ये आर्यंस थे ये कहाँ से लेके कहाँ तक रहे थे। नॉर्थन में ये रहे थे आप लोगों के कश्मीर तक, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, कश्मीर और सिंध से इन्होंने एंट्री की थी, ठीक है। कश्मीर नॉर्थन साइड जो इनका उत्तर का रहा, जो रहा था इनका उत्तर का, वो आप लोगों का कश्मीर का रहा था। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ ध्यान रखना है ईस्ट में ये गंगा तट के किनारे तक ही रहे थे, पूरे पूरा गंगा इन्होंने कवर नहीं किया था। साउथ था जो इनका, वो इनका साउथ का इनका सिर्फ था राजस्थान, कुछ एरिया राजस्थान का, ठीक
ठीक है, उत्तरी राजस्थान इसमें आप लोगों का आएगा, और यहाँ पे आप लोगों का आएगा वेस्ट साइड में आप लोगों के अफगानिस्तान तक ही ये गए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ साउथ तक ये कहाँ तक थे, तो कश्मीर से राजस्थान और अफगानिस्तान से गंगा तट तक इनका रहा था पूरा एरिया, जो कि वैदिक पीरियड में आर्यंस का था। क्वेश्चन आप लोगों के हो सकते हैं इनमें कुछ पूछा जाए। एंड सेकंड थिंग आप लोगों ने याद रखना है कि इनकी जो सभ्यता थी वो आप लोगों की रूरल थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता इनकी मानी जाती है, जो कि एक वैदिक सभ्यता भी आप लोगों की कहा जाता है इसको। इसके बाद जो आप लोगों के आर्यंस थे, इनका जो मेन वर्क क्या था, एक तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा डिपेंड थे, एंड सेकंड आप लोगों का रहेगा हस्बेंड्री, जो आप लोगों का रहेगा पशुपालन। ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और इनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल सिंपल और साधारण हुआ करती थी। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके बारे में। और यहाँ से अगर आप लोगों की बात की जाए एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, इन्हीं के कारण माना जाता है कि जो हमारा भारत है वो आज भी एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर जितना भी दिया गया है भारत को, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूरल कौन सी थी, तो ये आप लोगों की वैदिक थी। और अगर हम आज की बात करें, तो जो आप लोगों का 2011 का सेंसस है, उसके अनुसार जो आप लोगों की भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ मानी गई थी, और उसमें माना गया था कि जो आप लोगों की 68.9% जनसंख्या है आप लोगों की वो रूरल एरिया में रहती है, और जो बाकी बस्ती है आप लोगों की 31.1% वो आप लोगों की अर्बनाइजेशन है, ठीक है, अर्बन एरिया है। यहाँ से क्वेश्चन एक सीधा पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि वेदों की रचना कब हुई थी, तो ध्यान रखना वेदों की रचना तो हो गई थी आप लोगों की 4th सेंचुरी में, जब आप लोगों के गुप्ता पीरियड था। बट वेदों को जो अलंकृत किया गया है वो किया गया है आप लोगों का इस पीरियड में, ठीक है, यानी कि उनको लिखा गया है, रचना हुई थी। रचना होना अलग चीज है, लिखा जाना अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 4th सेंचुरी में गुप्ता पीरियड में इसकी रचना हुई थी, बट इसको जो सही ढंग से लिखा गया था तो वो आप लोगों का हुआ था वैदिक पीरियड में आर्यंस के द्वारा, ठीक है, जो भी आप लोगों के रहे थे। हम बात करेंगे अभी कि ऋग्वेदा के बारे में। अब मैं वेद्स करवाऊंगा आप लोगों को सारे, तो प्लीज नोट डाउन करिए एक एक। ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है, 1500 से लेके 1000 BC तक का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। और पूछा जाता है इसमें किसी तरह की लिपि या स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है नहीं, इसमें किसी भी तरह का कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद आप लोगों का कौन सा है, तो वो आप लोगों का ऋग्वेद है। ओके, ओल्डेस्ट है आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कितने डिवीजन है, डिवीजन का मतलब होता है मंडल। तो याद रखना इनके बारे में आप लोगों ने कि जो आप लोगों का ऋग्वेद है इसके टोटल आप लोगों के जो डिवीजन है तो वो है आप लोगों के 10 10 डिवीजन, अर्थात 10 मंडल आप लोगों के रहेंगे। और ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों के जितने भी इसके मंडल हैं वो सारे किसके द्वारा किए गए हैं, इनको असेंबल्ड किया गया है ऋषि वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा इनको असेंबल किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके मंडलों का जो अलंकन आंकलन है, या इसको जो असेंबल किए गए हैं वो आप लोगों के किए गए हैं किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, और कौन से टाइम पीरियड में, उत्तर वैदिक पीरियड में। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। अब ओल्डेस्ट पूछेंगे आप लोगों के से कि इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट मंडल है, तो हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आप लोगों का 2 से लेके 7 तक के मंडल हैं आप लोगों के, ये सारे ओल्डेस्ट हैं, ठीक है। 2 से लेके 7 तक के मंडल आप लोगों के जो होंगे वो सारे ओल्डेस्ट हैं, और जो आप लोगों के न्यूएस्ट माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की ये न्यूएस्ट, जो आप लोगों के डिविजन है वो आप लोगों की 1 और आप लोगों का 10। ओके, 8 के बारे में मत पूछना, वो इन्हीं के बीच में कहीं होगा, बट आप लोगों का ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीच में रहेगा आप लोगों का 8, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से आप लोगों का आता है आप लोगों का, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, यहाँ से आप लोगों को कुछ एक चीजों के बारे में पता चलेगा। इसका जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल जो आप लोगों का इसका रहेगा, थर्ड डिवीजन या थर्ड मंडल,
किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, किसी को पता है आप में से? हाँ ऋग्वेदा में जो इसका थर्ड मंडल या थर्ड डिवीजन है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो आप लोगों के ऋषि महासूक्त हैं, लिख लो इसको, ऋषि महासूक्त। ओके, नोट डाउन करो इसको, ऋषि महासूक्त, इन्हीं के द्वारा इसको, इन जो थर्ड मंडल है इसका, इसका निर्माण या इसको लिखा गया था या कुछ भी इनको किया गया था। और इस बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ये ऋषि थे, इन्होंने ही यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। क्वेश्चन सीधा आप लोगों से पूछा गया है ये वाला, कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया है, तो आप लोगों ने याद रखना है ऋग्वेद में किया गया है। और ये पूछा जाता है इसका वर्णन कब किया गया है, उत्तर वैदिक पीरियड में। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि इसका वर्णन कौन से मंडल में किया गया है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना थर्ड जो इसका मंडल है उसमें। और ये पूछा जाए थर्ड मंडल किसके द्वारा, तो ऋषि महासूक्तीय के द्वारा इसको लिखा गया है। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो ऋषि आप लोगों के थे, इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने वर्णों के बारे में वर्णन किया है, तो चार ही वर्ण बताए हैं इन्होंने। और यहीं से आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो आप लोगों की जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इनके अनुसार जो आप लोगों का ब्राह्मण होगा, पहला इन्होंने बताया ब्राह्मण, दूसरा इन्होंने बताया क्षत्रिय, थर्ड इन्होंने बताया वैश्य, फोर्थ इन्होंने बताया शूद्र। ठीक है, तो इनके बारे में अलग अलग कहा गया है और अलग अलग बातें इनके बारे में बताई गई हैं। तो इनके अनुसार, उससे पहले आप लोग एक और चीज ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड डिवीजन की। थर्ड डिवीजन न्यूएस्ट, न्यूएस्ट ओल्डेस्ट है ये, थर्ड डिवीजन आएगा इसके अंतर्गत और न्यूएस्ट में आएगा। ओके, तो प्लीज यहाँ पे एक चीज, छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, जो आप लोगों का थर्ड डिवीजन है वो थोड़ा अलग है, ठीक है, इसको मिस्टेक कीजिए। बिकॉज ये जो आप लोगों का वर्ण व्यवस्था है, ये आप लोगों के न्यूएस्ट में आता है, तो ये आपका फर्स्ट में नहीं होगा, ये आप लोगों का 10th वाले में है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा आप लोग प्लीज इसको करेक्ट करिए। ठीक है, जो आप लोगों का 10th डिवीजन है यही सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है इसमें, ठीक है, बाकी नहीं है इतने। 10th डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं अभी आप लोगों के साथ, थर्ड की बात नहीं की है, थर्ड आप लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके बारे में बाद में बता दूंगा आप लोगों को क्या चीज है। 10th डिवीजन या 10th मंडल के बारे में बात की गई है, और जो आप लोगों का 10th मंडल है वो महासूक्तीय ऋषि के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था का इसमें वर्णन किया है, और इसने चार वर्णों का इसमें वर्णन किया है, जिसमें पहला आप लोगों का ब्राह्मण है, सेकंड आप लोगों का क्षत्रिय है, थर्ड आप लोगों का वैश्य है, एंड फोर्थ आप लोगों का शूद्र है। और ऋषि महासूक्तीय ने ये बात कही है, जो आप लोगों के ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा ही इन चारों का, मतलब उत्पत्ति इन चारों के द्वारा हुई है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा किस तरह हुई है, जो ब्रह्मा जी का सर है, जो उनका हेड है, वहां से ब्राह्मण पैदा हुआ है, जो उनके शोल्डर हैं, जो उनके बाजू हैं, उनसे पैदा हुए हैं आप लोगों के क्षत्रिय। फिर उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो उनका पेट होगा, ठीक है, वहां से आप लोगों का वैली से उनके पैदा हुए हैं वैश्य। और जो इनके चरण होंगे, आप लोगों के चरणों से पैदा हुए हैं आप लोगों के शूद्र। ओके, और जो आप लोगों का शूद्र होगा, इसके बारे में चलो आगे बताता हूँ आप लोगों को। सबको बांटा गया कर्मों के अनुसार, जो आप लोगों के ऋषि महासूक्तीय थे, इन्होंने इन चारों वर्णों को कर्मों के अनुसार बांटा गया। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे ब्राह्मण होगा वो पंडित होगा, क्षत्रिय होगा वो ये करेगा वो करेगा, इन्होंने इनको बांटा गया कर्मों के अनुसार। कहने का मतलब ये है आप लोगों का, सिंपल सी बात समझिए कि अगर एक फादर है, उसके चार बेटे हैं, ठीक है, अगर उनमें से एक बेटा होगा, अगर वो मतलब ब्राह्मण का काम करता है तो वो आप लोगों का ब्राह्मण कहलाएगा, अगर वो क्षत्रिय का वर्क कर रहा है तो क्षत्रिय अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वैश्य कहलाएगा, और अगर वो कृषि कर रहा है, शूद्र को बांटा गया है कृषि के साथ, और जो वैश्य है इसको बांटा गया है आप लोगों का बिजनेस के साथ, और जो आपका क्षत्रिय है इसको बांटा गया है
रक्षा करने वाले जो होते हैं ब्राह्मण, आपको पता है वेदों का ज्ञाता जो पढ़ने वाले होते हैं उनको ब्राह्मण माना गया है। ठीक है, तो इसी के अनुसार इसको कहा गया है। तो यही चीज आप लोगों की यहाँ पे कही गई है जो कि ऋषि महासुक्त के द्वारा कही गई थी कर्मों के अनुसार। बट कुछ टाइम के बाद आप लोगों का, जब तक इनका टाइम पीरियड रहता है, जैसे ही आगे बढ़ती है आप लोगों की सृष्टि, तो आप लोगों का सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे कि जो आप लोगों का कर्मों के अनुसार जिस चीज को बांटा गया था उसको कर्मों से ना बांट के जाति से मिक्सअप कर दिया कि ब्राह्मण जो होगा अगर उसका बेटा पैदा होता है तो वो जाति से ही आप लोगों का ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा जाति से ही क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा क्षत्रिय से ही सॉरी जाति से ही वैश्य बनेगा, और शूद्र का बेटा जाति से ही शूद्र बनेगा। ओके, तो यहाँ से समझना जो ब्राह्मण होता है उसके लिए एक नियम रखा गया, अगर वो एक वेद को पढ़ता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, अगर वो सिंपल को वेद को पढ़ता है तो वो ब्राह्मण होगा, पूजा पाठ करता है, अगर वो एक वेद को पढ़ता है तो वो एक ब्राह्मण कहलाएगा, फिर अगर दो को पढ़ता है तो द्वि ब्राह्मण कहलाएगा, तीन को पढ़ता है त्रिब्राह्मण, ऐसा कुछ है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में मत ध्यान रखिए, बट इतना सा ध्यान रखिए क्षत्रिय का मतलब जो रक्षा करेगा सबकी वो क्षत्रिय होगा, वो अपनी काम क्या करेगा क्षत्रिय का होगा, जो बिजनेस करेगा जो इन सबकी इकोनॉमी को स्टेबल करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो थर्ड फोर्थ होगा जो कृषि करेगा और इन तीनों की सेवा करेगा वो कहलाएगा आप लोगों का शूद्र। तो बाद में आप लोग समझ सकते हैं किस तरह कर्म के अनुसार जिसे बांटा गया था वर्ण व्यवस्था को, उसको जाति में किस तरह कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे ही इसको जाति में कन्वर्ट किया तो हमारे दो क्षत्रिय पैदा हुए, इसमें एक क्षत्रिय थे आप लोगों के सिद्धार्थ और एक क्षत्रिय आप लोगों के होंगे वर्धमान। ठीक है, जो बाद में आप लोगों के फेमस होंगे महावीर के नाम से और बनेंगे जैन धर्म के संस्थापक, महावीर और जैन धर्म। ठीक है, और इनका पता है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक। जैसे ही ब्राह्मणों का थोड़ा सा उच्च स्थान प्राप्त होने लगा इनको और इनकी कुछ ज्यादा ही चीजों का डिमांड बढ़ने लगी, आप लोगों को पता है कर्म कांडों में लोगों को ज्यादा घुसाने लग पड़े और धार्मिक प्रवृत्तियों में ज्यादा लगाने लग पड़े, तो उसी समय आप लोगों का एक नए धर्म का आविष्कार हुए, जो दो नए धर्म बने, एक बन गया बौद्ध और एक बन गया महावीर का जैन धर्म। वो इनको जाके जो भी करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज बता दीजिए, कुछ पूछना हो तो प्लीज बताना, जरा डाउट तो नहीं है किसी का इसके बारे में। ओके देन, ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ से जितने भी डीप क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे आप लोगों के, तो प्लीज आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी जो मंडल एक और था जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था, थर्ड डिवीजन। अब इसकी बात कर लेते हैं अगर इसका क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का। जो थर्ड डिवीजन था ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो थर्ड डिवीजन है आप लोगों का, थर्ड मंडल है, इसको जो लिखा गया था वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। ऋषि विश्वामित्रा के द्वारा इसको लिखा गया था, और आप लोगों ने याद रखना है ऋषि विश्वामित्रा के द्वारा गायत्री मंत्र। ठीक है, और इसका उल्लेख भी थर्ड डिवीजन में ही मिलता है। गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति के लिए आप लोगों का किया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है सूर्य देवता की स्तुति के लिए आप लोगों का गायत्री मंत्र का जप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज का ध्यान रखना है, चलो इसके बारे में आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, और एक और बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो ऋषि आप लोगों के भरम विश्वामित्र थे, इन्होंने जो समर्पित किया था अपना थर्ड डिवीजन वो किसको किया था, सावित्री को किया था, सावित्री को समर्पित किया था जो अपना थर्ड डिवीजन था आप लोगों का। और एक बात और आप लोगों ने याद रखना है, जो सतयुग की सबसे पवित्र देवी किसको माना गया है, तो वो आप लोगों की सावित्री ही माना गई है। ठीक है, बिकॉज इसके द्वारा की गई थी यमराज की स्तुति, और यमराज के द्वारा इसको एक वर प्राप्त वरदान प्राप्त हुआ था कि ये सदा सुहागन रहेंगी। बट सृष्टि के अनुसार आप लोगों को पता है हर एक इंसान को ये संसार छोड़ के जाना है, तो इसके जो पति थे आप लोगों के जिनका नाम था सत्यवान, इनकी आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी सत्यवान और सावित्री की। ठीक है, तो यमराज जब उनको लेने आते हैं तो इनको पता है कि सावित्री ने एक उनसे वचन लिया था जिसके अनुसार ये कभी भी विधवा नहीं होगी, बट यमराज अपनी
कर्म को पूरा करते हैं और उसके पति को ले जाते हैं अपने साथ यमलोक में, और साथ में आप लोगों की सावित्री भी चली रहती है और पीछे पीछे, और अपनी जीत के कारण उसको वापस ले आती है। ठीक है, तो उस वाइफ से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, तो ये पहले भी था। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि ऋषि जो आप लोगों के विश्वामित्र थे, उन्होंने सावित्री को समर्पित किया था ये सारा कुछ। ओके ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। आगे आप लोगों से पूछा जाता है कि मोस्ट पवित्र, सबसे पवित्र, ऋग्वेदा में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, क्वेश्चन आता है इसका भी। ऋग्वेदा में सबसे पवित्र या मोस्ट होली रिवर कौन सी थी आप लोगों की, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है सरस्वती। इसके बाद आप लोगों का आएगा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रमुख रिवर कौन सी है आप लोगों की इनकी, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है। इंडस, इंडस को सबसे ज्यादा इन्होंने महत्वता दी है, और सिंधु जिसे हिंदी में कहते हैं। गंगा का नामो निशान इसमें नहीं रहेगा, गंगा और यमुना को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बिकॉज मैंने आप लोगों को पीछे ही समझाया था कि गंगा के कुछ एक किनारों की जगह ही ये पहुंचे थे, सब जगह उसको नहीं ये कवर कर पाए थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पश्चिमी गंगा से आगे आर्यन कभी गए ही नहीं थे, और गंगा का नाम ऋग वेद में सिर्फ गोरा के नाम से एक बार ही इसका वर्णन देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि यमुना का जो वर्णन मिलने वाला है आप लोगों को ऋग्वेदा में, वो तीन बार मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, यमुना का या गंगा का वर्णन कितनी बार मिला है और इसका कितनी बार मिला है। अभी हम बात करेंगे जो आप लोगों की फेमस नदियां हैं जिनके वैदिक नेम है, वैदिक नेम से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग प्लीज, यहाँ पे नदी का नाम लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए वैदिक। तो गंगा का जो वर्णन है आप लोगों का वो सिर्फ एक ही बार है गोरा के नाम से, और जो आप लोगों की यमुना है उसका वर्णन सिर्फ कितनी बार है आप लोगों का, तीन बार है। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग नदियां और यहाँ पे लिखेंगे वैदिक नेम, तो दो तीन मिनट के बाद आपकी नई आईडी मिलेगी, ध्यान रखना। पहली जो आप लोगों की होगी सतलुज, तो सतलुज का वैदिक नाम आप लोगों को पता है वो क्या है, सतलुज को कहते हैं शतुद्री, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलेगा आप लोगों को। रावी है आप लोगों की, रावी को कहा गया है पुरुषाणी। इसके बाद आप लोगों की रहेगी चेनाब, चेनाब को अस्कनी कहा गया है। इसके बाद आप लोगों की झेलम है, झेलम को कहा गया है बित्सता, बित्सता। ठीक है, व्यास आप लोगों की है, व्यास का भी वर्णन देखने को मिलेगा, व्यास को कहा गया है विपाशा। ठीक है, फिर आप लोगों की है गोमल, और गोमल अभी भी है, ये आप लोगों की गोमती। और फिर आप लोगों की काबुल है जिसे कुफा कहा गया है,